ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह का मेकअप करना चाहिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है फेयरवेल पार्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जब लास्ट डे होता है या आपका कोई भी ईयर का लास्ट किया है, आप लोग देख सकते हैं और आपको भी यकीनन ये लुक बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया ये लुक तो आपने मुझे क्या करना है, आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में मैंने ये ज्वेलरी भी आज वेयर की है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। लुक हमें क्रिएट नहीं करना होता, तो ये सब उन सब लोगों के लिए है जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेकअप, टू देयर ज्वेलरी एंड देयर ड्रेसेस। तो मैंने जो ड्रेस वेयर किया है वो ड्रेस वेयर किया है एक मैक्सी टाइप कुछ वेयर किया है, ये ब्लैक कलर का इसका ऊपर से कोटी टाइप है। आप चाहते हैं कि ये वाला लुक जो है वो आप भी क्रिएट करें तो आपको मेरी वीडियो देखनी होगी एंड तक, तो मैं इसमें आप सिखाऊंगी कि आप किस तरह से मेकअप ये क्रिएट कर सकते हैं ये लुक। और साथ लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आई है, और साथ में कॉमेंट करके मुझे बताएं भी। थैंक यू और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें फेस पर। सेवन गर्ल का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पर, इससे पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और मेकअप फ्लॉलेस लगता है। अपने टी जोन पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। इसके बाद फिटमी का 220 मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन अपने फेस पर, ये मेरी स्किन के लिए बिल्कुल नेचुरल टोन देता है। कॉलेज और स्कूल की पार्टीज़ जो होती हैं उसके लिए बिल्कुल ही हमें सॉफ्ट मेकअप करना होता है, नेचुरल मेकअप करना होता है जो ग्रीसी भी ना लगे और अच्छा भी लगे। इस ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इंडियन बेस नंबर 25 यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा होता है फाउंडेशन के ऊपर लगाने से, इसको गीला करके लगाते हैं और ये बहुत ही अच्छा सा लॉन्ग लास्टिंग सा इसका बेस बनता है और नेचुरल लगता है, और ये 25 जो है वो बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। इसके बाद बॉर्जेस का बेज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई डार्क सर्कल के लिए, इससे मेरे जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं वो कंसील हो जाते हैं। इसके बाद बी क्यूट का फेस पाउडर नंबर 1 यूज़ कर रही हूँ जो कि लाइट में है, और इसे मैं अपने ऑयली एरिया जो कि डी जोन है इस पर मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ताकि इससे जो है वो मेकअप में क्रीज ना बने। यहाँ काइली का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर आईब्रो, ये शेड यूज़ कर रही हूँ मैं, इसी पैलेट में से मैं आईब्रो के लिए शेड यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर करें आईब्रो के लिए हमेशा वही शेड यूज़ करें जो आपके बालों का कलर होता है, तो इससे आपके बालों का आईब्रो का शेड अच्छा लगता है। इसके बाद इसी पैलेट में से मैं ये ले रही हूँ ये वाला शेड, और इसको मैं अपनी इस आई क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ ताकि इससे मेरी आईज जो हैं वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएं। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इससे मैं अपनी आईज को थोड़ा सा स्मोकी लुक दूंगी ताकि मेरी आईज जो हैं वो थोड़ी सी अच्छे से इन्हेंस हो जाएं, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा। और इसके बाद मैं ये थोड़ा सा शिमरी गोल्डन शेड ले रही हूँ, डार्क गोल्डन कॉफ़ी कलर है, और इसको मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर्स के थ्रू अप्लाई करने से बहुत अच्छा सा इसका लुक आता है। और इसके बाद ये शेड मैं ले रही हूँ अपने हाईलाइट करने के लिए आईब्रो सेम पैलेट में से,
और जो मैंने ऊपर आई क्रीज जिससे बनाई थी उसी शेड्स को मैं आइस के नीचे लगा रही हूँ ताकि मेरी आइस जो हैं वो बड़ी भी लगें और बेरुखी भी ना लगे। उसके बाद मैं एक लॉरियल का क्लोजल आई पेंसिल लगा रही हूँ जो कि ब्लैक कलर में है और इसको मैं आंखों के अंदर अच्छे से स्मच कर रही हूँ। आर्डिको का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन इससे लैशेस बहुत अच्छी बनती हैं, तो अगर आप परचेज़ करना चाह रही हैं तो सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। लैशेस मैंने इसमें यूज़ नहीं किए हैं। अच्छा, तो ये ब्लशन का शेड ये यूज़ कर रही हूँ, ग्लैमरस का पैलेट है ये, इसमें तीन शेड हैं, तो डे टाइम में मैं ब्लशन यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट सा मैं इसको अपने फेस पर टच दूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट सा मेकअप करना है और डे टाइम में करना है और कॉलेज के लिए, तो इसलिए सेम पैलेट में से मैं जो आईब्रो के ऊपर लगाया था वही नोज़ पर मैं हाईलाइट के लिए यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा लिप पर भी लगाऊंगी और आईज के चिक बॉन्स पर। बी क्यूट की ये पेंसिल ले रही हूँ, ये पीच में है लिप पेंसिल और इसे मैं अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी। बहुत ही प्यारा सा शेड है, अच्छे से इसको मैं अपने लिप को शेप दूँगी। अच्छा, तो मेक श्योर कर लें कि मैं इसमें लैशेस वगैरह नहीं लगा रही क्योंकि लैशेस से थोड़ा हैवी लुक हो जाएगा और कॉलेज स्कूल की पार्टीज में लैशेस अच्छी नहीं लगती। और अब मैं ये मैक्स फैक्टर का पिंक लाइट पिंक शेड है जो कि मैं अपने लिप्स पर शेड अप्लाई कर रही हूँ और इससे जो मेरे लिप का शेड है वो बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, तो अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो मैक्स फैक्टर का परचेज कर सकते हैं। 1600 तक की इसकी कॉस्ट है। ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और इसके साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।